देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं गुड़ के मीठे चावल। देखिए कितने अच्छे बने हैं, पास से दिखाते हैं। देखिए एक एक दाना खिला हुआ, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो अब इनको हम चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इनमें क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, कैसे बनाए जो इतने अच्छे खिले खिले चावल बने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुड़ के चावल। फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज मेरा मन किया गुड़ के मीठे चावल खाने का, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, अपने लिए भी कुछ बनाना चाहिए कभी कभी। तो मैं ये गुड़ के चावल बना रही हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरी दादी बुआ थी, बहुत ही अच्छे गुड़ के चावल बनाती थी, तो मैं आज उन्हीं के ढंग से ये चावल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये लिए 250 ग्राम गुड़। गुड़ को हमने चाशनी नहीं बनानी है, बस गाढ़ा सा इसको गुड़ को घोलना है। तो मैं इसमें बस 1 चम्मच पानी डालूंगी, इसी से हमारा गुड़ घुल जाएगा। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, थोड़ा सा से मतलब 1 चम्मच घी। और इसको हम अच्छे से चाशनी से मतलब कि हम इसको घोल लेंगे, मतलब पिघला लेंगे गुड़ को। बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं हम पिघलाएंगे। और कई लोगों को होता है गुड़ की स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं होती, तो आप इसमें आधा गुड़ आधा शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो गुड़ बहुत अच्छा लगता है और गुड़ सर्दियों में खाने के लिए हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है, तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसको मैं दूसरी साइड रख देती हूँ, दूसरी गैस पे पिघलने गुड़ को घुलने के लिए। ये देखिए हमारी चाशनी तैयार हो रही है। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से सौंफ के दाने। गुड़ के साथ सौंफ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1/2 चम्मच सौंफ के दाने डाले मैंने ये, और 1 बड़ी इलायची में से उसके बीज निकाल के थोड़े से, यानी कि बहुत सारे, थोड़े से मैंने ये बीज डाल दिए। और अपनी चाशनी, हमारी चाशनी देखिए बिल्कुल तैयार है। गुड़ को घोलना है हमें, चाशनी नहीं बनानी है। हमारा गुड़ अच्छे से घुल गया, तो हम अपने चावल बनाएंगे। मैंने ये 1 कप चावल 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। ये देखिए गुड़ और चावल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और घी गुड़ के चावलों की जान है। कहावत भी आपने सुनी होगी, घी बनाए चीज़ को बड़ी बहू का नाम, वो कहावत बिल्कुल सही है। किसी भी चीज़ को आप घी में बनाएं, मिठाई को, मीठी चीज़ खास तौर पे बहुत अच्छी बनती है और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी गर्म होने लगा है, मैं इसमें ये मैंने थोड़ा सा गोला, जो ये गोले होते हैं हमारे घर में वो, और किशमिश, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। लेकिन किशमिश को हमें बिल्कुल गुब्बारे की तरह से फुला लेना है, जब तली जाएंगी तो वो फूल जाती हैं। और गोले को हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस गोले की हल्की सी स्मेल जो होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म करनी है। जैसे जैसे हमारा घी गर्म होता जाएगा किशमिश फूलती जाएंगी। मैं ये गुड़ के चावल बना रही हूँ, गन्ने के रस से खीर भी बनाई जाती है हमारे यहाँ, गन्ने के रस की खीर भी बनाई जाती है, बहुत अच्छी बनती है वो भी खाने में। वो गन्ने के रस में चावल को पकाया जाता है और उससे खीर बनाई जाती है। गोला भुनने की खुशबू आने लगी है, देखिए किशमिश भी कैसे गुब्बारों की तरह फूलने लगी है। हमें बस ऐसे ही करना है, गोले का कच्चापन निकालना है और किशमिश को देखिए कैसे फूलती जा रही है। पूरा किचन महक रहा है घी गोले की खुशबू से। इन चावल को, गुड़ के चावल को आप छोटे चावल जो होते हैं, सोना मसूरी या कोई भी चावल जो आपके घर में खाए जाते हो, किसी से भी बना सकते हैं, सेला चावल से भी बना सकते हैं। ये मेरे तल गए, मैं निकाल लेती हूँ। अब ये चावल मैंने पानी निकाल दिया और मैं इनको और घी में, एक एक दाना हमारा घी में कोट हो जाए, जितने अच्छे से ये घी में भुनेंगे उतने अच्छे हमारे चावल बनेंगे। देखिए एक एक दाना घी से कोट हो जाए
इस तरह से देखिए, घी में भूनने से चावल को बॉडी मिल जाती है और हर दाने में घी कोट हो जाता है तो टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये देखिए, आपको फर्क भी दिख रहा होगा चावलों में। ये देखिए पहले कैसे थे और अब भुने भुने दिखने लगे हैं। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए देखिए, भुनने से ये फर्क पड़ता है। ये देखिए चावल को पास से दिखाती हूँ, देखिए कैसे खिले खिले और करारे करारे से दाने हो जाते हैं चावल के। इसलिए चावल को भून के बनाए तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए किस तरह से एक एक दाना अलग से, और दिख रहा है ये भुना हुआ है हमारा। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मैंने ये एक कप चावल लिए थे, मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये चावल हमें बिल्कुल गलाने नहीं है। इनको मैं 80% गलाऊँगी। अंदाज तो वो होता ही है कि हम चावल से इतना इतना ऊपर पानी रखते हैं तो उससे थोड़ा कम रख के, क्योंकि हम इसमें चाशनी डालेंगे अभी, मैंने उस अंदाज से इसमें पानी डाला है कि हमारे चावल इतने बस हाथ से आराम से टूट जाएं, इतने गल गए हैं। अब हम इसमें अपनी गुड़ की चाशनी डाल के, देखिए ये गुड़ है जो मैंने पिघला लिया था, कितना सुंदर कलर आया है। देखिए इसको मैं इसमें डाल दूँगी, हम इसको पकाएंगे। और ये थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी, इसी में डाल दिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है गुड़ डालने के बाद इस चावलों में। आप कोई भी मीठी चीज़ बनाएं उसमें बस इतना सा नमक डाल दें तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। ये चाशनी बनाते समय भी हम डाल सकते हैं, मैंने लेट डाला है, हम इसे चाशनी में जो हमने गुड़ पिघलाया था उसमें भी डाल सकते हैं। अब हमारे चावल पक जाते हैं, फिर दिखा। ये देखिए हमारे चावल कितना अच्छा कलर आया है। कुछ लोग इसमें रंग भी डालते हैं लेकिन मैं रंग नहीं डालती हूँ, गुड़ का ही जो कलर आया है ये वही कलर है। एक एक चावल हमारा खिला खिला बना है। कुछ लोग गुड़ बाद में ना डाल के गुड़ को जितना चावल में पानी चाहिए उतने पानी में पिघला लेते हैं गुड़ को और फिर डालते हैं, वो आपकी मर्जी पे निर्भर है, जैसे आप बनाना चाहें। अब मैं इन्हें ढक के 5 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावल हमारे दम पे रखने के बाद चावल हमारे कितने रसीले, कितने बढ़िया बने हैं। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये कच्चे हैं, लेकिन चावल ही हमारे बिल्कुल कच्चे नहीं हैं क्योंकि हमने भून के बनाए हैं। तो ये चावल एक शेप पकड़ लेता है, देखिए एक शेप पकड़ लेता है चावल। और गुड़ का अपना कलर है, कोई हमने इसमें कलर नहीं डाला। कुछ लोग ऑरेंज कलर डाल के चावल को पकाते हैं लेकिन मैंने वो भी नहीं पकाए। गुड़ का अपना ही कलर है जिसमें मेरे चावल तैयार हुए हैं। ये देखिए, अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।